दोस्तों कितने अच्छे लगते हैं ना ये रंग, रंग बिरंगे फूल। दोस्तों रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है और रंगों से जुड़ा एक त्यौहार होली आ रहा है और हम सब जानते हैं कि रंगों से भरी इस त्यौहार के लिए युवाओं में बहुत एक उत्साह रहता है और हर उम्र के हर वर्ग के लोगों को एक अलग तरह से होली मनाने का शौक़ होता है। आइए बात करते हैं इस होली के त्यौहार पे हम किस तरह से अपनी आँखों का अपने शरीर का ध्यान रखें ताकि रंगों से भरे इस त्यौहार को हम काला दिन ना बनने दें। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, कैटरैक्ट रिफ्रैक्टिव एंड कॉर्निया सर्जन। दोस्तों होली का त्यौहार आ रहा है और ये त्यौहार होता है रंगों से भरा, खुशियों से भरा, मिठाइयों से भरा। इस त्यौहार पर मेरी और श्रेया आई सेंटर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों होली के त्यौहार पर रंगों का इस्तेमाल एक आम बात है और एज ए आई स्पेशलिस्ट हम हर साल देखते हैं कि होली के बाद कई दिनों तक ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी आँखों में किसी ना किसी कारण से हानि पहुँच जाती है, रंगों की वजह से या होली खेलते समय कभी कभी चोट भी लग जाती है। तो आइए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ कि किस तरह से आप होली के त्यौहार को अपने लिए या अपने सगे संबंधियों के लिए काला दिन ना बनने दें। ये टिप्स मैं आपको दो कैटेगरी में बताना चाहूँगा। पहली कैटेगरी है जो आपकी आँखों के लिए बनती है, आपके शरीर के लिए बनती है, और दूसरी कैटेगरी है जो उन लोगों के लिए बनती है जिनके साथ आप होली खेल रहे हैं। तो आइए पहले बात करते हैं कि आपको अपने शरीर का, अपनी आँखों का कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों होली लगाते समय आमतौर पर देखा जाता है लोगों में झड़प होने लगती है, ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं। देखिए यदि आप होली नहीं खेलना चाहते और यदि आप होली से बच सकते हैं तो ये आपका हक है, आप अपने दोस्तों को समझा सकते हैं। लेकिन यदि आप होली खेल रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि होली खेलते समय रंगों से बचने की चेष्टा ना करें, क्योंकि वो चेष्टा सामने वाले को और मजबूर करती है जोर लगाने के लिए और उस जोर ज़बरदस्ती में ही आँखों में चोट लग जाती है। सामने वाले की उंगली आपकी आँखों में जा सकती है, उसके नखूनों से आपकी पुतली पर चोट लग सकती है, पलकों पर चोट लग सकती है, और यदि रंग आँख में घुस जाता है तो उस रंग के इफ़ेक्ट से भी आपकी आँखें डैमेज हो सकती हैं। तो मैंने जैसे कहा आप रंगों से बचने की चेष्टा ना करें। दूसरी बात, जब यदि सामने वाला रंग लगा रहा है तो समझदारी दिखाइए और अपनी पलकों को कस के बंद कर लीजिए, क्योंकि यदि पलकें कस के बंद रहेंगी तो सामने वाले की उंगली आपकी आंखों में नहीं जाएंगी, चोट यदि लगेगी कि तो पलकों पे लगेगी, और दोस्तों पलकों पे लगी चोट जल्दी भर जाती है और ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन यदि आँख के अंदर चोट लग जाए, पुतली पर जख्म बन जाए तो वो खतरनाक हो सकता है। और इसी के साथ यदि आँखें कस के बंद रहेंगी तो रंग आँखों में नहीं जाएगा, यदि जाएगा तो कम मात्रा में जाएगा, जो आपके आंसू अपने आप धो के उसको बहा सकते हैं। इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपने जो बचने के लिए आँखों पे कोई ना कोई चश्मा पहन के रखें। यदि आँखों पे चश्मा रहेगा तो आपकी आँखों में रंग नहीं जाएगा, पानी का जो बौछार है वो नहीं जाएगी, या कोई गुब्बारा मार रहा है तो चश्मा पे गुब्बारा लगेगा और आँख के ऊपर चोट नहीं आएगी। एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो होली वाले दिन कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने और अपने चश्मे का इस्तेमाल करिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस पे यदि रंग चिपक जाता है तो वो रंग बहुत कंसंट्रेटेड हो जाता है और वो पुतली को बहुत डैमेज कर सकता है और वो कभी कभी आँखों की रोशनी को परमानेंट कम भी कर सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कॉन्टैक्ट लेंस अवॉइड करें। लेकिन यदि किसी कारण से कॉन्टैक्ट लेंस पहनना मजबूरी हो जाती है तो मैं कहना चाहूँगा कॉन्टैक्ट लेंस डिस्पोजेबल कैटेगरी का पहने, ताकि यदि आँखों में रंग जाता है और आपकी आँखों में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि कॉन्टैक्ट लेंस को निकाल के फेंक दें और होली खेलना तुरंत बंद कर दें और आँखों को पानी से धो के आप अपने चश्मे पर शिफ्ट हो जाए। आइए अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जो है कि आपकी जिम्मेदारी दूसरों के प्रति। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है दूसरों की इच्छा का सम्मान। यदि सामने वाला होली खेलने के लिए इच्छुक नहीं है तो उसकी इच्छा का सम्मान करिए और ज़बरदस्ती होली मत खेलिए। होली उन्हीं को साथ खेलनी चाहिए जो आपके साथ होली खेलने के लिए इच्छुक हो। अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ लोग होली खेलने के जोश में होते हैं और हम सामने वाले की इच्छा का सम्मान भूल जाते हैं और हम उनको ज़बरदस्ती रंग लगा बैठते हैं। ऐसे में सामने वाले व्यक्ति को दुख पहुंचता है और मानसिक तनाव भी पहुंच सकता है। और अगली टिप जो आपको मैं देने जा रहा हूं, ये बहुत प्रैक्टिकल टिप है और आमतौर पर हम इसको इग्नोर कर जाते हैं, क्योंकि होली हम अपने सगे संबंधियों के साथ खेल रहे हैं, अपने चाहने वालों के साथ खेल रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है उनकी सुरक्षा। तो ये टिप है, आपको अपने हाथों के नखूनों को ट्रिम करके रखना चाहिए, क्योंकि होली खेलते समय अनजाने में नखूनों से हमारे चेहरे पे, पलकों में या आँख के अंदर चोट लग जाती है और बाद में
हमें उस बात का दुख हो जाता है कि हमसे दूसरे को हानि पहुंच गई है। यदि आप नखूनों को छोटा रखेंगे, सामने वाले को चोट नहीं पहुंचेगी। तीसरी टिप है रंगों का चयन। देखिए, आप दूसरों को क्या रंग लगा रहे हैं ये आप चयन कर सकते हैं, दूसरा क्या लगाएगा ये उसका चयन है। यदि हर कोई व्यक्ति अच्छे रंगों का, नेचुरल कलर्स का, ऑर्गेनिक कलर्स का चयन करेगा तो रंगों से होने वाली हानि अपने आप बंद हो जाएगी। तो दूसरे क्या कर सकते हैं ये आपको नहीं पता, लेकिन आपके कंट्रोल में ये जरूर है कि आप नेचुरल ऑर्गेनिक कलर्स का चयन करिए। और चौथी टिप है कि जोश में होश ना खोएं। अक्सर देखा जाता है आपने बहुत सोच समझ के अच्छे रंगों का चयन किया और आपने होली खेलना शुरू किया, लेकिन होली खेलते समय ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप बहुत जोश में हैं, खासकर युवाओं में जीतने की एक होड़ लग जाती है, और जब रंग खत्म हो जाता है व्यक्ति आसपास देखता है और उसको जो जिस रूप में मिलता है दूसरे के ऊपर डाल देता है। एज ए आई स्पेशलिस्ट हमने देखा है ऐसी अजीब अजीब बातें आती हैं कि लोग सड़क की कीचड़ उछाल देते हैं दूसरे के ऊपर, गोबर फेंक देते हैं, कभी कभी ग्रीस का डब्बा मिलता है तो ग्रीस लगा देते हैं दूसरे के ऊपर, यदि घर में चूना रखा है चूना डाल देते हैं, दीवारों पर करने वाला रंग एक दूसरे पर डाल देते हैं। और दोस्तों, ये सारे बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, केमिकल इंजरी हो सकती है और मैकेनिकल इंजरी हो सकती है। और अगले दिन हमें जब होश आता है हमें लगता है कि हमने क्या कर दिया और हम किसी चाहने वाले को अनजान में बहुत बड़ी हानि पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सतर्क रहें। आमतौर पर होली ग्रुप में खेली जाती है और जो व्यक्ति, यदि आप ये नोटिस करते हैं कि कोई भी व्यक्ति होली खेलते समय अनकंफर्टेबल है, उसकी वो आँखें बंद करके और तकलीफ में दिख रहा है, तो तुरंत होली खेलना रोकिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए, उस व्यक्ति के पास जाके उससे पूछिए क्या तकलीफ है। यदि आंखों में रंग चला गया है या कोई चोट लग गई है तो तुरंत उसको फर्स्ट एड दे और नज़दीकी अस्पताल ले जाके उसका इलाज शुरू कराए। तो यहाँ मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि इस रंगों भरे त्यौहार के मज़े को नशे से ख़राब ना करें। वो नशा आपको कुछ क्षणों के लिए मज़ा ज़रूर देता है, लेकिन उसके बाद जीवन भर के लिए अफसोस या हानि भी पहुँचा देता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन टिप्स से आपको फ़ायदा मिलेगा और होली आपके लिए ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। और अंत में मैं दोबारा अपने और श्रेयाई सेंटर की पूरी टीम की तरफ से आपको होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपकी होली शुभ रहे, सुरक्षित रहे।